नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 में जिनकी मिथुन राशि है उनका आर्थिक जीवन कैसा होगा। देखा जाए तो 2019 में काफी बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। नए नए आइडिया आएंगे आपके दिमाग में धन प्राप्ति के स्रोत के बारे में और उसमें ज्यादातर सफल भी होंगे। धन चूंकि चंचल माना जाता है, लेकिन आपके राशि में 2019 में ये योग है कि धन टिकेगा। हाँ, इसके लिए हो सकता है कि आपको अपने परिवार से दूर इसके लिए जाना पड़े, आपको अपने घर से दूर जाना पड़े, ये हो सकता है, लेकिन धन टिकेगा। विदेश यात्रा हो या विदेशी कोई संबंध हो, उसके जरिए जो धन प्राप्ति का स्रोत होगा वो काफी मजबूत होगा। बस ध्यान रखें कि आपकी निजी जिंदगी में खलल न पड़े, आपकी निजी जिंदगी डिस्टर्ब न हो, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि पैसे आने के स्रोत बढ़ जाते हैं, पैसे कमाने की चाहतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि सफलता आपको मिल रही होती है। लेकिन इसकी वजह से आप अपना पारिवारिक जीवन की तरफ जो आपका ध्यान होना चाहिए वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, और नहीं तो परिवार में विवाद होने की संभावना बन जाती है। जनवरी मध्य के बाद से ही 2019 की जनवरी मध्य के बाद से ही आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपको कंपनी संस्था की तरफ से उन्नति मिलने की संभावना है। याद रखें, परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं होती, कभी सुख फिर दुख, फिर सुख फिर दुख, इस तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं। कोई चीज टिकी नहीं है, कोई वस्तु अचल नहीं है, इसलिए अगर आप सुखी हैं तो ये मान के चलिए आने वाला कल दुख का भी होगा, कि उसे भी तो आना है। तो इसलिए अगर कुछ परिस्थिति में नकारात्मक रिजल्ट आते हैं तो परेशान ना हो। वैसे आपकी 2019 में इस तरह का भाग्य है कि आप बड़े से बड़ी मुसीबतों का भी सामना कर लेंगे। आपके खर्चों में वृद्धि होगी, वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि आप कमा रहे हैं। बस एक ही बात का आप ध्यान रखें कि आपका पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब न होने पाए। फिर भी इंसान अपने जीवन में भौतिक सुख के लिए बहुत कुछ करता है, अपने परिवार के लिए करता है, सबके लिए करता है, और कभी कभी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, जिसमें आर्थिक समस्याएं होती हैं, कुछ कर्ज होते हैं। फिर भी आर्थिक समस्याओं को मजबूत करने के लिए एक विशिष्ट मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप नियमित करना चाहिए, और वो मंत्र है ओम बुम बुधाय श्रीम कमलेश्वरी स्वाहा। ओम बुम बुधाय श्रीम कमलेश्वरी स्वाहा। इस मंत्र को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम बुम बुधाय श्रीम कमलेश्वरी स्वाहा। ओम बुम बुधाय श्रीम कमलेश्वरी स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी बुदबुदाकर जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी मंत्र जपते समय आपकी आवाज ज्यादा दूर तक न जाए, इस बात का ध्यान रखें। इस मंत्र को तीन माला नियमित रूप से जाप करें। तीन माला का मतलब यह हुआ 324 बार इस मंत्र का जाप, चाहे आप सुबह करें, शाम को करें, रात को करें, दोपहर को करें, किसी भी समय कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। महिलाएं 3 से 5 दिन का मासिक धर्म की समस्या में गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें, यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। यह मंत्र सिर्फ उनके लिए है जो मिथुन राशि के हैं, इसलिए इस मंत्र का नियमित उनको जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि उनका आर्थिक जीवन अच्छा रहे, खुशहाल रहे, उनकी जिंदगी में तरक्की हो, यही मेरी शुभकामना। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है, और जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान 2 दिन में संपन्न किया जाएगा। अगर आप
2 दिन के इस शिविर में भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मुंबई में ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेमिनार भी आयोजित होने जा रहा है। इस विधि के अनुसार मनुष्य के पिछले जीवन में जाकर समस्या का समाधान खोजा जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यह विषय उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो प्राणिक हीलिंग, हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी प्रकार का हीलिंग मेथड सीखे हैं, उसके द्वारा लोगों का उपचार कर रहे हैं। आप अपने जीवन में हमेशा सतर्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।